straight to square leg. Another one. Another clever bit of bowling. Oh. पाकिस्तान के पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। चौथे मैच में कौमी टीम की 125 रन के हदफ के ताकुब में मैच रिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स की भी उम्दा कारकर्दगी, मेजबान टीम को बड़ा स्कोर करने से रोके रखा। लेग स्पिनर शादाब खान की फिर उम्दा बॉलिंग, दो शिकार किए, चार मैचेस में 10 विकेट ले चुके। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, कई इलाके घंटों अंधेरे में डूबे रहे। ब्रेकडाउन बिन कासिम प्लांट से मुंसलिक क्वींस रोड लालाजार सर्किट ट्रिप करने पर शुरू हुआ। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बादलों और ठंडी हवाओं ने फिर रंग जमा दिया, कदम बढ़ाती गर्मी को कुछ देर के लिए ठहरा दिया। मुल्तान, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जंग, मंडी, बहाउद्दीन और दीगर इलाकों में बारिश, बाज़ इलाकों में आंधी भी आई। मौसम खुशगवार हो गया। आईजीएसएम की तब्दीली का मामला सड़कों पर भी आ गया। फिक्सिट का एडी खाजा को हटाने पर एहतजाज, कायम मकाम आईजी की मातहत पुलिस टूट पड़ी। आलमगीर खान और साथी गिरफ्तार, तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। गवर्नर हाउस के बाद वजीर आला हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। आलमगीर की रिहाई पर एहतजाज खत्म। सिंध का आईजी कौन, तनाज आज भी बरकरार। विफाक ने आईजी के लिए भेजे गए तीनों नाम मुस्तरद कर दिए। अब्दुल मजीद दस्ती को चार्ज सौंपने की मंजूरी आखिर किसने दी, अहम सवाल खड़ा हो गया। आरसी चार्ज देने का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी हुआ, लेकिन चीफ सेक्रेटरी उम्रा अदा करके आज वतन वापस लौटे। सरगोधा में 20 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। जाली पीर अब्दुल वहीद समेत चार अफराद मुलजिम नामजद, पुलिस की मुदैयत में FIR में इंसदाद दहशत गर्दी, कत्ल इकदाम कत्ल, पुलिस से मुजाहमत की दफात शामिल। RPO के मुताबिक लाशों के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मुरीदों को दो दो करके अंदर ले जाता, नशावर चीज खिलाकर तशद्दुद करके कत्ल किया। मुलजिम अब्दुल वहीद का एतराफ, कहा 2 साल कबल उसके मुर्शिद अली मोहम्मद को कत्ल किया गया था, डर था उसे भी मार डाला जाएगा, इन पर शक था उन्हें कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब कई मक्तूलीन की नमाज जनाजा अदा, लवाहिकीन पर क्यामत टूट पड़ी। शेखुपुरा में चेयरमैन यूनियन काउंसिल खानपुर इमरान डोगर की गाड़ी पर फायरिंग, दो मुहाफिज और एक राहगीर जान बहक, इमरान डोगर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इमरान डोगर की हालत खतरे से बाहर। खुशखबरी देता हूं, हमारा मुल्क बदलने वाला है। इमरान खान कहते हैं सिंध का आईजी गलत कामों से रोकने पर बदला गया। आसिफ अली जरदारी से सरे महल का हिसाब लेंगे, वो भी किसी कतरी को पकड़ लें। शर्जील मेमन क्या वर्ल्ड कप जीत कर आए के हाथ हिलाते रहे। तलागंग में खिताब, पुलिस का मोराल बढ़ाने के लिए मोबाइल में बैठ गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोजा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी साथ। एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर इब्ने अब्बास और दीगर सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद FIA ने सिंध पुलिस से डेप्यूटेशन पर अहलकार मांग लिए। डायरेक्टर FIA आसिम कायम खानी के खत में 100 अहलकार तलब किए गए। खत की कॉपी 92 न्यूज को मिल गई। सूडान में बागियों से बाजियाब होने वाला पाकिस्तानी इंजीनियर अपने घर पहुंच गया। अयाज चमाली की बाहिफाजत वापसी पर बदीन में उनके घर जश्न का समा, अहले इलाका भी खुशियों में शरीक, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी मोहम्मद शरीफ की चौथी बरसी मनाई गई। दुआया तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, कुरान खानी, महफिल दरूद पाक और उलमाए कराम के खिताबात भी हुए।
श्रीनगर के इलाके नौकाटा में भारतीय फौज के काफिले पर दस्ती बम हमला, एक फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। उधर मोदी ने मकबूजा कश्मीर में 9.2 किलोमीटर तवील सुरंग का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में सजाया गया खानों का मेला इख्तिताम को पहुंच गया। ईट लाहौर फेस्टिवल में लोगों ने मजे मजे के खानों से खूब लुत्फ उठाया। इतवार को छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में शहरियों ने खानों के मेले का रुख किया। फेस्टिवल को मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। और कराची में ब्राइडल फैशन वीक, दीदा से मशरकी उरूसी मलबूसात की नुमाइश मकामी होटल में जारी। रंगारंग फैशन मेले में मॉडल्स ने नए पहनावे जेबतन करके जलवे बिखेरे, हाजरीन से खूब दाद समेटी।